नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो राजस्थान में आज फिर बिगड़ेगा मौसम, तेज बारिश और ओलावृष्टि की है चेतावनी। राजस्थान में आज एक बार फिर मौसम बिगड़ सकता है। दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि नए वेदर सिस्टम के प्रभाव से आज प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम फिर बदल सकता है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए राज्य के कुछ इलाकों में बादल गरजने के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं इसके साथ ही कुछ जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि किसान अपनी काट कर रखी गई फसलों को पहले सुरक्षित जगह पर रख ले। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि बिजली कड़कने के दौरान खेतों में काम कर रहे किसान भी सावधान रहे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से एक नया पश्चिम विक्षोभ जो है एक्टिव होने वाला है, जिसके चलते बीकानेर जोधपुर के कुछ इलाकों में बादल गरजने वाली तूफान के साथ बारिश हो सकती है। वही कल इस पश्चिम विक्षोभ का असर ज्यादा रहेगा। वही इन 3 दिनों में बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर और बीकानेर में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 तारीख को जयपुर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर के कुछ इलाकों में बादल गरज सकते हैं और बारिश के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि धान मंडियां और कृषि मंडियों के खुले में रखे जिसों और अनाजों को पहले से सुरक्षित स्थानों पर रख ले ताकि उसे भीगने से यहाँ पर बचाया जा सके। साथ ही पकी हुई फसलों को भी यहाँ पर ढक कर रखे हुए बादलों के गरजने और बिजली चमकने के दौरान खंभे और पेड़ों से दूर रहिए, मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान की गहलोत सरकार 1 करोड़ परिवारों को देगी मुफ्त राशन किट। राजस्थान में करोड़ों लोगों को सरकार की तरफ से तोहफा जो है मिल सकता है। दरअसल सरकार जो है प्रदेश में 1 करोड़ परिवारों को जल्द ही निःशुल्क राशन किट उपलब्ध करवाएगी। वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अप्रैल के पहले हफ्ते से योजना पर अमल यहाँ पर होगा। वह इसके लिए अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर जारी किए जा चुके हैं कि हर महीने 10 तारीख तक परिवारों को राशन किट दी जाएगी। वह इस योजना में हर साल करीब 3,000 करोड़ रुपए का जो खर्च जो है राजस्थान सरकार पर आएगा। वही सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया है कि वर्तमान में जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस से राशन ले रहे हैं उन्हें ये किट उपलब्ध करवाई जाएगी। इन परिवारों को पहले की तरह राशन की सामग्री यहां पर मिलती रहेगी। वही राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले राशन किट इस सामग्री के अतिरिक्त यहाँ पर होगा। वर्तमान में राशन सामग्री में गेहूँ, चावल और चीनी का वितरण होता है। वही राशन किट से जुड़ा समस्त काम जो है राज्य सहकारी उपभोक्ता लिमिटेड जो है कानपेट उनके द्वारा यहाँ पर संचालित किया जाएगा। कानपेट वर्तमान में प्रदेश के कई शहरों में यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर संचालित करता है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले पोषाहार की खरीद और वितरण का काम जो है कानपेट ही करता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो शादी का बंपर ऑफर देखिए, भारत का ये राज्य दे रहा है शादी के लिए 10 लाख रुपए, बस माननी होगी ये शर्त। देश हो या फिर विदेश हो, हर जगह पर सरकार अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई स्कीम लेकर आती रहती है। अभी हाल में यहाँ पर हांगकांग ने अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की पेशकश की थी। यही नहीं, ये देश फ्लाइट टिकट पर भी यात्रियों को फ्री यहाँ पर दे रहा है। वही कुछ महीने पहले इटली में भी यहाँ पर देश में शादी करने पर 10 लाख रुपए वो दिए रहा था। वैसा ही कुछ भारत में स्कीम की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने सामाजिक समानता और एकता को बढ़ावा देने के लिए अंतर जातीय शादी यानी इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहित करने के लिए बंपर राशि का ऐलान किया है। बता दें आपको कि पहले यह राशि 5 लाख रुपए थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 10 लाख रुपए कर दिए हैं। अगर आप भी इंटरकास्ट में अगर शादी करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। वह शादी करने वाले इंटरकास्ट कपल को 5 की जगह 10 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। वह सरकार का कहना है कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है, इसमें समाज में एकता बढ़ाने में मदद यहाँ पर मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो वंदे भारत ट्रेन का हुआ है कल पहला ट्रायल। वंदे भारत अजमेर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर दौड़ी 110 किलोमीटर प्रति घंटा रही है रफ्तार। अजमेर से नई दिल्ली वाया जयपुर चलने वाली राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को मंगलवार को अजमेर दिल्ली के बीच यहाँ पर यह दौड़ी। वही मंगलवार को शुरू ट्रेन के स्पीड ट्रायल में 3 दिन तक यह चलेगा। वह ट्रायल के दौरान महसूस होने वाली खामियों और स्पीड को लेकर यहाँ पर RDSO जो है लखनऊ को यहाँ पर भेजी जाएगी। वह यहाँ क्लियरेंस मिलने के बाद वंदे भारत ट्रेन को आमजनी के लिए शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ट्रेन का स्टॉपेज, किराया, खाने का मेन्यू तय होना बाकी है। वह रेलवे के अधिकारियों की माने तो अजमेर के यात्रियों को वंदे भारत ट्रेन जयपुर से अजमेर आने में केवल यहाँ पर 1 घंटा और 45 मिनट लगेगा। यानी अजमेर के यात्रियों को वंदे भारत ट्रेन से जयपुर से आने में केवल 1 घंटा 45 मिनट लगेगा। जयपुर से दिल्ली जाने वाले ट्रेन यात्रियों को यहाँ पर 3 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। हालांकि अभी ट्रेन की स्पीड आधिकारिक जानकारी अभी साइन जो मतलब स्पीड की जो आधिकारिक जानकारी है वो शेयर नहीं की गई है। वह वंदे भारत ट्रेन
जब कल जयपुर जंक्शन पर 5 मिनट के लिए रुकी तो लोगों का यहाँ पर ट्रेन के साथ सेल्फी लेना और वीडियो बनाने का सिलसिला देखते ही यहाँ पर शुरू हो गया। हर कोई ट्रेन के अंदर उसके स्पीड को लेकर चर्चा यहाँ पर करने लगे। इसके बाद ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर दौड़ते हुए देखना अपना अलग ही यहाँ पर एक्सपीरियंस है। वैसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है गांधीनगर स्टेशन पहुंचे और कुछ सेकंडों के लिए ही सही लोग ट्रेनों का वीडियो ट्रेन जो है इसका वीडियो बनाने के लिए यहां पर लग गए। वही वंदे भारत ट्रेन के बारे में अधिकांश यात्रियों ने सुना कि लेकिन वे खुद ट्रेन को देखना और इस पर सफर करने की चाह रख रहे थे। वही राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है कल जो है अजमेर से जयपुर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी। जानकारी के अनुसार भारत की ये पहली ट्रेन होगी जिस पर हर कोच में एक रेलवे अधिकारी यहां पर होगा जो यात्रियों को ट्रेन के बारे में जानकारी देंगे। हालांकि ये अधिकारी कुछ माह तक ही ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों को जानकारी देंगे।